हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्टूडेंट लाइफ। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना सही है या नहीं है। अगर प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना सही है तो क्यों सही है, अगर प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना गलत है तो क्यों गलत है। तो मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं ताकि आप कोई भी ऐसी गलती ना करें प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेकर जिसके बाद आपको पछताना पड़े, आपके 4 साल जो है वेस्ट जाए और जितनी आपने फीस लगाई थी वो भी सारी वेस्ट जाए। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। मैं कर लेते हैं हम प्राइवेट कॉलेज की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम नहीं दे पाते किसी वजह से, या जो एग्जाम देते हैं उनका क्वालिफिकेशन नहीं हो पाता, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो किसी वजह से वो रह जाते हैं और उनको जो है प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है। तो किन प्राइवेट कॉलेज में उनको एडमिशन लेना चाहिए और किन प्राइवेट कॉलेज में उनको एडमिशन नहीं लेना चाहिए, ये इस वीडियो में मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। तो प्राइवेट कॉलेज के क्या फायदे हैं क्या नुकसान है मैं आपको वन बाय वन जो है बताता हूं। तो सबसे पहला नुकसान की अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेज की, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। जिस बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है तो प्राइवेट कॉलेज में उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको स्कॉलरशिप मिले या नहीं मिले। हाँ, अगर आप बहुत अच्छे प्राइवेट कॉलेज से करते हो तो आपको जो है स्कॉलरशिप मिलेगी, अगर आपके मम्मी पापा जो है प्राइवेट जॉब पर नहीं है तो। लेकिन आप ऐसे कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करते हो जिसमें जो है आपको स्कॉलरशिप नहीं मिला और आप जो है एबल हो स्कॉलरशिप लेने के लिए और आपको नहीं मिल रही है। और दूसरा नुकसान मैं आपको बता देता हूं, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अपने जो है माइंड में सेट कर लेना। दूसरा नुकसान मैं आपको बताता हूं, आप प्राइवेट कॉलेज में उसी कॉलेज में एडमिशन लें जो आईएनसी से अप्रूवल है। अब आईएनसी क्या है मैं आपको बता देता हूं। आईएनसी जो है इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग है, ये ऐसी संस्था है जो बीएससी नर्सिंग को मान्यता प्राप्त कराती है, उसको जो है बढ़ावा देती है। तो आप जो है इस चीज का खास ध्यान रखें, आप ऐसे कॉलेज से बीएससी नर्सिंग नहीं करें जो आईएनसी से अप्रूवल नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसे कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि आगे चल के आपको जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है। आपके जो 4 साल आपने बीएससी नर्सिंग की वो आपके वेस्ट हो जाएंगे और आपको कोई भी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी जॉब फील्ड में। अगर वो आईएनसी से अप्रूवल नहीं है तो उसका कोई भी फायदा नहीं है बीएससी नर्सिंग करने का, वो वेस्ट है बिल्कुल, क्योंकि आईएनसी जो है बहुत ज्यादा ऑप्शंस देता है आपको जॉब्स के, और ये एक ऐसी संस्था है जो मान्यता प्राप्त कराती है बीएससी नर्सिंग को। तो इस बात का खास ध्यान रखें, अगर आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो उसको चेक करें कि वो आईएनसी अप्रूवल है या नहीं, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो दो बातों का खास ध्यान रखना है, अगर आप जो है स्कॉलरशिप आपको मिलती है और आप ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं कि आपको स्कॉलरशिप नहीं मिले, तो ऐसे कॉलेज में एडमिशन ना लें, कॉलेज की जो है चेक करें कि उसमें स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं मिलती है, और सेकेंड बात आप ये चेक करें कि वो आईएनसी से अप्रूवल है या नहीं है, तभी आपका जो है करियर लाइफ जो है बिल्कुल सेट हो पाएगी, वरना आपका करियर फ्यूचर सब बर्बाद हो जाएगा अगर आप बीएससी नर्सिंग ऐसे कॉलेज से कर लेते हो तो, क्योंकि आगे जाकर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएगी, उसकी कोई मान्यता ही नहीं होगी, तो आपका क्या फायदा होगा बीएससी नर्सिंग करने का। तो अब हम जो है प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज होते हैं उनके फायदे की बात कर लें। तो इसमें जो है फायदा ये होता है कि अगर जैसे आप जो है एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हो या किसी वजह से एग्जाम नहीं दे पा रहे हो तो आप जो है तब भी जो है बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, आप डायरेक्ट एडमिशन लेके जो है बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। आपको बता दूं कि कुछ बच्चे होते हैं कि ये सोचते हैं अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हमें मिल जाएगा तो हमारी जो है जॉब है वो जल्दी लगेगी अकॉर्डिंग टू प्राइवेट कॉलेज। तो मैं बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो डिपेंड करता है आपकी स्किल्स के ऊपर, आपका एक्सपीरियंस के ऊपर, और आप जो है उसमें जो वैकेंसी निकलते हो उसका जो होता है एग्जाम देना पड़ता है, अगर आप वो क्लियर करते हो तो आपको जो है जॉब मिल जाएगी। तो इसमें कोई भी रोल नहीं है गवर्नमेंट या प्राइवेट का, अगर आपकी स्किल अच्छी है तो आपको जो है जॉब मिल जाएगी, क्या आप प्राइवेट से हो क्या आप गवर्नमेंट से हो। और अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हो, और मैंने अपना एक ग्रुप बनाया, उसमें काफी सारे जो है बच्चे मुझसे ऐड हो रहे हैं जो बीएससी नर्सिंग जो है इस बार एडमिशन ले रहे हैं। ग्रुप में ज्वाइन होने का फायदा यह है, इसके जब आप जो आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो सबसे पहले तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। कैसा लगेगा आपको जो आपके पास नोट्स होंगे, अभी किसी ने जो है बनाए भी नहीं और आपके पास नोट्स आ गए, और आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको सोल्व हुए मिल जाए पूरे के पूरे, यानी कि आपकी जो है पूरी मेहनत लिखने की बच जाएगी और जो एनसीपी है वो सब आपको पूरा स्किल ए टू जेड जो है मिल जाए। तो ये मेरा नंबर है, अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं मेरे ग्रुप में तो आप ज्वाइन हो सकते हो, काफी ज्यादा बच्चे जो है मुझसे जुड़ रहे हैं, उनकी हेल्प भी करता हूँ इस नर्सिंग के बारे में क्या क्या चीजें रहती हैं, किस तरह से, मैं बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूं,
तो मैं बताता हूँ और जो भी एक्सपीरियंस है वो अपना शेयर करता हूँ, स्किल्स अपनी शेयर करता हूँ, और जो हॉस्पिटल्स का क्लिनिकल का रहता है वो अपना शेयर करता हूँ, और ड्यूटीज रहती हैं वो प्रैक्टिकल, बहुत चीजें इसमें नर्सिंग में रहती हैं, तो ये सब चीजें मैं आपको शेयर करता हूँ। और बीएससी नर्सिंग में आपको एक बात जाननी बहुत ही ज्यादा जरूरी रहती है, या आप एक बात जरूर जान लो कि बीएससी नर्सिंग वाले जो होते हैं उनको जो है बीएससी नर्सिंग कम्प्लीट करने के बाद क्या क्या काम करना पड़ता है, क्योंकि कुछ अगर क्या पता अगर आप जो है आपको पता नहीं है आप बीएससी नर्सिंग कर लो और बाद में वो काम आपसे हो ही नहीं, क्योंकि ऐसे ऐसे काम होते हैं। इस पर भी मैं जो है एक वीडियो बना दूंगा कि बीएससी नर्सिंग वालों को जो है क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या उनको काम जो है हॉस्पिटल्स में करने पड़ते हैं या किसी कोई भी फील्ड में अगर वो जॉब करते हैं तो वो करने पड़ते हैं। कमेंट मैक्सिमम 10 कमेंट बच्चों के ये हो कि भैया हमें नर्सिंग का जो है काम के बारे में बताओ कि बीएससी नर्सिंग वाले क्या काम करते हैं, नर्सिंग वाले का जो मेन रोल्स होता है क्लिनिकल सेटिंग्स में वो क्या होता है। अगर आप 10 कमेंट मेरे पास आते हैं तभी भी जो है मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, और इस वाली वीडियो पे हम टारगेट करते हैं लाइक का 100 लाइक या 100 लाइक, देखते हैं कितनी देर में आप पूरे करते हो, क्योंकि यार मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ लेकिन आप लाइक ही नहीं करते ना ही आप कमेंट करते हो। और अगर आपका कोई भी अभी भी कोई भी डाउट है किसी भी चीज को लेकर तो आप कमेंट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नर्सिंग चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को करें प्रेस, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट आपसे मिस ना हो सके। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अलविदा एंड वंदे मातरम।